हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ बबली। आपका स्वागत करती हूँ बबली किचन में। फ्रेंड्स, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं और उसके साथ आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे, तो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन ऑल वाला टच करें, जिससे कि मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ मिल्क केक की रेसिपी, जो सिर्फ मैं दूध से बनाने वाली हूँ और बहुत ही टेस्टी एकदम दानेदार सा मिठाई हम घर में आसानी से बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा और बताए हुए टिप्स पे ध्यान देना होगा, तो आपका भी मिल्क केक एकदम दानेदार सा बनेगा। तो आइए फिर शुरू करते हैं बनाना। मिल्क केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 लीटर दूध लिया है, तो ये फुल फैट मिल्क है। तो इसको सबसे पहले एक चौड़े मुँह के बर्तन में मैंने रखा है, इसको बॉयल करना है। फ्लेम को हाई कर देंगे तो दूध बॉयल होना शुरू हो गया है, 5 मिनट हो भी चुका है उबलते हुए। तो इसको हम किनारों से ऐसे घुरसते हुए चलाएंगे। 10 मिनट हो गया है उबलते हुए, बीच बीच में हम चलाते रहेंगे कि किनारों पे जमे ना मलाई, और नीचे से भी घुरसते हुए इसको चलाएंगे। तो इसको रिड्यूस करना है जब तक कि ये 1/3 ना हो जाए, इसको हम ऐसे ही उबालते रहेंगे। तो ध्यान रखना है कि ये हाई फ्लेम पे हम उबालेंगे, लेकिन चलाते रहेंगे जिससे कि दूध चिपके ना और बॉयल होके गिरे ना। तो बड़े चौड़े मुंह के बर्तन से दूध उबालने से यही फायदा होता है कि दूध उफन के गिरता नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसको हम और उबलने देते हैं। फ्रेंड्स, अभी दूध के उबलते हुए 35 मिनट्स हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 नींबू का रस और इसमें 1 टेबल स्पून पानी डाल दिया है। तो यहाँ पे हम 1 टेबल स्पून नींबू का रस ऐड करेंगे और इसको मिलाएंगे। जो मिल्क केक आप खाते हैं मार्केट से, उसमें देखा होगा कि दाने दाने होते हैं, तो ये नींबू का रस डालने की वजह से ही ऐसा होता है। तो इसको मिला लेंगे और एक बार में नहीं डालना है। देखिए, इसमें दाने जो है बनने शुरू हो गए हैं। तो एक बार में अगर ज़्यादा नींबू डाल दिया तो दूध फट भी सकता है, इसलिए थोड़ा सा डाल के इसको हम चलाएंगे और इसको और उबलने देते हैं। और लगातार चलाते रहेंगे क्योंकि दूध अभी गाढ़ा हो गया है, तो गाढ़ा होने के बाद बहुत तेजी से दूध जलता भी है। तो नीचे से खुरसते हुए हम चलाते रहेंगे ऐसे, और आप देख सकते हैं ये बहुत ही गाढ़ा हो गया है। तो थोड़ा सा इसमें मुझे दाना कम लग रहा है, तो 1 टेबल स्पून और नींबू का रस डाल लेते हैं इसमें। और नींबू का रस पूरा नहीं है, उसमें मैंने पानी भी ऐड किया था। तो इतना डालने से अब अच्छे दाने होने लगे हैं, तो इसको ऐसे ही चलाएंगे। और इस टाइम थोड़ा सा हाथ को मजबूत करके मेहनत करके चलाना होगा क्योंकि दूध जले ना। तो अब चीनी ऐड करेंगे, तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप चीनी। ये वेट में 250 ग्राम्स है, लेकिन पूरा ऐड नहीं करेंगे एक साथ में। अगर पूरा एक साथ डालते हैं तो ये चीनी मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होने के बाद दूध फटने का डर रहता है। चीनी डालने के बाद ये फिर से पतला हो जाता है, इसीलिए फ्लेम को थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा देंगे और लगातार चलाते हुए फिर से एकदम चीनी के मेल्ट होने के बाद उसको फिर से गाढ़ा करेंगे चलाते हुए। तो बचा हुआ चीनी भी इसमें अब डाल देंगे। एक साथ चीनी नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसको भी मेल्ट होने देंगे और इसको हम चलाते रहेंगे। फ्रेंड्स, इस टाइम पे हमको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, इसको लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये बहुत ही जल्दी जलता है। फ्रेंड्स, अभी मिल्क केक का मिश्रण जो है गाढ़ा हो गया है, तो अब इसमें से छींटे कम पड़ते हैं, तो मैंने कवर हटा दिया है। और अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून देसी घी। इसमें देसी घी डालना बहुत जरूरी है, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें, और बहुत ही मिल्क केक जो है एकदम मॉइस्चर बनता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे फ्लेवर के लिए। तो घी हम ऐसे डालने के बाद इसको मिक्स कर लेते हैं, और इसके बाद 1 टेबल स्पून और डालेंगे घी। थोड़ा सा कम लग रहा है अभी। और इस स्टेज पे एकदम छोड़ना नहीं है, लगातार चलाना है। तो फ्रेंड्स, मिल्क केक बनाने में बहुत ही पेशेंस की जरूरत है क्योंकि इसको लगातार चलाना पड़ता है। इसको टोटल बनाने में मुझे 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगा है। मतलब इसी बात का आप ध्यान रखें कि ये नीचे से जब कढ़ाई छूटने लगे, इसका मतलब है कि ये तैयार हो गया है। अब फ्लेम को हम ऑफ कर लेंगे और ये अब अच्छे से एकदम इसमें कलर भी आ चुका है।
मिल्क केक को जमाने के लिए मैंने यहाँ पे एक टिफिन लिया है। तो मिल्क केक जमाने के लिए हमेशा ध्यान रखिए कि थोड़ा कोई डीप बर्तन लें और इसको घी लगा के ग्रीस कर लेंगे, जिससे कि अनमोल्ड करने में बहुत ही आसानी हो और अच्छे से अनमोल्ड हो जाए बिना टूटे। अब इसमें डालना शुरू करेंगे, मिश्रण इसमें अच्छे से भर लेंगे पूरा। इसको टैप कर लेंगे फ्रेंड्स, जिससे कि नीचे से अच्छे से बराबर ये चला जाए और ऊपर से एक बराबर कर लेंगे इसको स्पून से। पूरा मैंने बराबर कर लिया, अब ढक्कन को लगा देते हैं और ध्यान रखेंगे कि मिल्क केक ज्यादा देर तक गर्म रहे। इसके लिए एक टॉवल लेंगे मोटा सा और टॉवल में लपेट देंगे, जिससे कि मिल्क केक ज्यादा देर तक गर्म रहेगा। गर्म होने की वजह से ये अच्छे से सेट होता है और इसमें अच्छा कलर आता है मिल्क केक में। तो इसको हम पूरा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, पूरे रात छोड़ देंगे, नहीं तो 6-7 घंटे तक छोड़ देंगे इसको। फ्रेंड्स अभी 10 से 12 घंटे हो चुके हैं, तो अब इसको हम निकाल के देख लेते हैं कि हमारा मिल्क केक कैसा सेट हुआ है। तो ये एकदम धीरे धीरे ठंडा हुआ है। वाओ, ये बहुत ही अच्छा परफेक्ट एकदम सेट हुआ है। तो अब इसको हम अनमोल्ड करेंगे। तो अनमोल्ड करने के लिए मैंने यहाँ पे एक नाइफ लिया है, नाइफ से किनारों को छुड़ा लेंगे, जिससे कि बहुत आसानी से निकल आएगा। तो इसको हम एक बर्तन में उल्टा करके ऊपर से टैप करते हैं, और अगर दिक्कत आता है तो आप वो गैस पे थोड़ी देर रखेंगे, थोड़ा सा ये मेल्ट होके आसानी से निकल आएगा। तो इस तरीके से मिल्क केक जो है अनमोल्ड हो गया है। तो इसको अब हम कट कर लेंगे। तो कट करने के लिए आप कोई भी शेप में इसको आप काट सकते हैं, अपने पसंद के शेप में लंबा लंबा काट सकते हैं या फिर ट्रायंगल में काट सकते हैं। तो एक तेज नाइफ हम लेंगे इसके लिए, और मैं बीच से कट कर रही हूँ क्योंकि मुझे ट्रायंगल काटना है इसको। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही परफेक्ट मिल्क केक बन के तैयार हुआ है। तो इसको अब हम छोटे छोटे पीस में काट लेते हैं। मैंने मिल्क केक को छोटे छोटे पीस में काट लिया है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ट्रायंगल काटा है, अपने पसंद के किसी भी साइज में आप काट सकते हैं इसको, लंबा लंबा या फिर ट्रायंगल। और जो बीच में कलर दिख रहा है डार्क, ये टॉवल में जो हमने लपेटा था उसकी वजह से ऐसा हुआ है। मैं एक पीस आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए आप, ऐसे ये बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी मिल्क केक बना है। तो घर में बहुत आसानी से अच्छा मिल्क केक आप बना सकते हैं और आपको जरूर पसंद आएगा। किसी फेस्टिवल में आप बनाए, आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दें और बेल आइकन भी दबाएं। फिर से मिलते हैं, बाय बाय।